पाथियॉन, निसान की मैग्नाइट की प्राइस एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है और कब से लागू होगी, या जो भी अन्य बातें निसान ने बताइए आपके साथ साझा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम निसान मैग्नाइट से संबंधित और अन्य कारों से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुँचाते रहें। साथियों, कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया, आज ही की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपको बताया था कि रेनो की काइगर महंगी हो रही है। लेकिन क्या पता था कि कुछ ही समय बाद मुझे ये भी आपको सूचना देनी पड़ेगी कि टाइगर ही नहीं बल्कि निसान और डटसन की गाड़ियां जो अब एक ही प्लेटफॉर्म में बिकती है, निसान के थ्रू ही बिक रही है, तो अब उनकी भी ये गाड़ियां महंगी होने वाली। तो साथियों, निसान के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात करें उससे पहले आपको बता दें कि निसान ने कीमत बढ़ाने के पीछे जो तर्क दिया है, उन्होंने कहा है कि निर्माण की जो लागत है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, वो बढ़ गई है। हमने काफ़ी समय तक प्रयास किया कि प्राइस ना बढ़े, लेकिन हमें बढ़ानी पड़ी। तो राकेश जी श्रीवास्तव जो निसान इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा ऑटो कंपोनेंट की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, हालांकि हमने इन कंपोनेंट की कॉस्ट बढ़ने के बावजूद पिछले कुछ समय से कीमतें नहीं बढ़ाई, पर अब हमें कीमतें बढ़ानी ही होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साथियों, एक बात इन्होंने कमाल की कि इन्होंने पिछले काफ़ी समय से कीमतें नहीं बढ़ाई। भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो सोच समझ के बोलिए, आपने मार्च में ही तो कीमतें बढ़ाई है। खैर, आगे इन्होंने जो कहा है वो हमारे हृदय की गहराइयों में है, या कहें कि क्या पता ये तंज है, व्यंग्य है या सीधी सपाट सही बात है। उन्होंने कहा है कि जो समझदार भारतीय ग्राहक है उनकी हम सेवा करते रहेंगे, सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो शायद वो समझदार ग्राहक हम भी हैं। आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से हमने बढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि मैग्नाइट की स्पेशली प्राइस जनवरी में बढ़ाई, इसके बेस मॉडल में सीधा 50,000 का इजाफा किया, हालांकि ये वाजिब था क्योंकि पहले इंट्रोडक्टरी प्राइस थी। और उसके बाद मैग्नाइट के जो टर्बो वेरियंट है उनकी प्राइस भी मार्च की शुरुआत में बढ़ी थी, और अब अप्रैल की शुरुआत से फिर से प्राइस बढ़ रही है। अब क्या आशा ये करेंगे कि शायद ये प्राइस केवल उन्हीं वेरिएंट की बढ़े जिनकी पहले नहीं बढ़ी है, यानी नॉन टर्बो वेरिएंट XL, XV, XV प्रीमियम है, उनकी अभी तक प्राइस नहीं बढ़ी है। तो हो सकता है सिर्फ इतनी प्राइस बढ़े, लेकिन सभी कारों की प्राइस बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि सभी वेरियंट की कुछ न कुछ प्राइस बढ़ने वाली है। तो हम एक मोटा मोटी अनुमान की बात करें तो हो सकता है कि 7 से 10 हज़ार से लेकर के 25,000 तक की प्राइस हमें बढ़ी हुई मिले, शायद अप्रैल 2021 से। अभी लागू कब से होगी तो ये तो तय है कि उन्होंने कह दिया 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। अब जो पहले बुक करवा चुके उन पर लागू होगी या नहीं होगी, हालांकि रेनो ने इस संदर्भ में कह दिया कि काइगर के जो ग्राहक 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी डिलीवरी लेंगे, चाहे उन्होंने बुक कभी करवाई हो, उनको नई प्राइस देनी होगी। लेकिन निसान का इस मामले में थोड़ा अलग है, उन्होंने पहले ये कहा था पिछली बार जब प्राइस बढ़ी तो उन्होंने कहा जो नए लोग होंगे उन्हीं से हम बढ़ी हुई प्राइस लेंगे, लेकिन इस बार इन्होंने घोषणा नहीं की है, न ही ये बताया है कि कितनी प्राइस बढ़ेगी या कितनी प्राइस हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन साथियों, आने वाले 1-2 दिन में, यानी 1 अप्रैल के आसपास या उससे कुछ पहले या बाद में, हमें पता चल ही जाएगा कि वास्तव में कितनी प्राइस बढ़ी। आशा करें 5 से 10 हज़ार के आसपास ही प्राइस बढ़े, ताकि हमारा जो प्रेम है, जो हम समझदार भारतीय ग्राहक निसान से जुड़े हुए हैं, वो हमारा मोह भंग ना हो। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निसान के पास हाल फिलहाल में 6 कारें हैं, जिसमें निसान की 3 कारें तो है ही है, मैग्नाइट, किक्स और सनी। इसके अलावा डटसन की भी 3 कारें हैं, गो, गो प्लस और रेडिगो। इन सभी 6 कारों की कीमत 1 अप्रैल 2021 से बढ़ेगी। तो साथियों, ये थी जो नई अपडेट थी निसान मैग्नाइट से संबंधित, वो हमने आपके सामने रखा। हम भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि आपकी वो लंबी वेटिंग हालांकि अभी चल रही है, लेकिन आपको 1 अप्रैल से पहले ही आपकी मैग्नाइट मिल जाए, ताकि बढ़ी हुई कीमत आपको सहन नहीं करनी पड़े। हालांकि विस्तृत खबर जब आएगी तो सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। इसी आशा के साथ आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।